अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में मेरा है व्लॉग डबलिन टू न्यू दिल्ली फुल ट्रैवल व्लॉग और फैमिली सरप्राइज। किसी को नहीं पता, टिकट बुक कर ली चुपचाप। अब जा रहे हैं हम सीधा घर दिल्ली डबलिन से। देख लो, देखना जिसको देखना देख लो, कुछ इनसाइट मिल जाएगी, नहीं देखना मत देखो। तो मैं दिखा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड, दिखा रहा था, और ये रही मेरी गर्लफ्रेंड है। चाचा दिखा दूं? चाचा चोद, तुमने तो मेट्रो बुला ली। मेट्रो जा रही है सीधा वहाँ पर। तो भाई मामला ऐसा है, 2 घंटे का स्टे है, 2 घंटे बहुत देना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये ऐसा होता ना कि फ्लाइट छूट जाएगी, ये हो जाएगी। मेरे दोस्त की छूट गई थी, पर उसका सेल्फ चेक इन था। जो यादें ताज़ा हो गई, 11 महीने मैंने यहीं से आया था मैं। ये तो बहन चो बकवास हो रहे, वो फ्लैट लैंड। हाँ जी भाई, तो आज मेरी फ्लाइट है सुबह की, रात के बज रहे हैं अभी एक। तो जा रहे हैं आज फैमिली को करेंगे सरप्राइज विजिट, ताकि इमोशन देखने के लिए उनके बहन की मतलब क्या रिएक्शन आता है, यादें क्रिएट करने के लिए। खाना बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं एयरपोर्ट। परंचूत, 4 घंटे बाद फ्लाइट है, और अभी भी सामान डाला नहीं मैंने, और अभी पैकिंग करनी पड़ेगी। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो भाई निकल लिए हम घर से अपने, जा रहे हैं एयरपोर्ट। आ गया टैक्सी। 11 महीने हुए, 11 महीने 11 महीने में वापस इंडिया। एक्साइटमेंट हो रही है भाई, स्पेशली घर वालों को देखने की, मतलब वही है एक्साइटमेंट। तो क्या बोलेंगे घर वाले, किसी को नहीं पता भाई, किसी को भी, बस मेरे छोटे भाई को पता है। साला इतना टाइम बाद इतनी जल्दी उठाऊँ मैं। अभी बज रहे हैं अभी बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं। अभी फ्लाइट है मेरी 8 बजे ही, लेट होगी। अभी पैकिंग करी है सारी मैंने आधे घंटे में। अब देखो भाई, एयरपोर्ट तो पहुंच गए, पर साले ने पता नहीं कहाँ उतार दिया। बहन जाना था मुझे टर्मिनल 2 में, टर्मिनल 1 पे और 2 पे छोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा है कहाँ ये भाई, छोटा सा एयरपोर्ट है पर साला मिल ही नहीं रहा। टर्मिनल 1 पे जाना है मेरे को, लिखा हुआ तो स्ट्रेट ही है। ये शायद जो यादें ताज़ा हो गई, 11 महीने मैंने यहीं से आया था मैं। ये तो बहन चो बकवास हो रहे, वो फ्लैग लैंड लैंड ले ले मैंने। गेट नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है यार। टिकट में, हाँ टिकट चेक करता हूँ, उस पर लिखा होगा ना। मेरी फ्लाइट है 8 बजे की और 6 बजे पहुँच गया, 20 मिनट लगे एयरपोर्ट पहुँचने में। अब यार यहाँ से समझ नहीं आ रहा यहाँ से कहाँ जाना है। एयरपोर्ट पे तो आ गया हूँ मैं, ज़्यादा भीड़ तो है नहीं। अपना कतर एयरवेज नंबर 5 पहुंच गया हूँ। कौन सा चेक इन लाइन है, यहाँ लगी हुई है भीड़। यही बकवास लगता है, प्राइवेट जेट हो अपना, जाओ सीधा, जाओ बैन चो सीधा बैठो, सीधा पहुंचो जहाँ जाना है, यहाँ लाइन में लगो करो भाई। एक ट्रिक है विंडो सीट लेने की, सीधा जाओ और जब बोर्डिंग पास ले रहे हो तो सीधा बोल दो कि भाई मेरे को विंडो सीट ही चाहिए भाई, दे दे यार कुछ भी करके विंडो सीट दे दे बस। और सही से बात करोगे ना उससे, मॉर्निंग आए हवेली हवाई यू और ये सब बातें करोगे तो वो दे देता है। अच्छे से बात करो बोर्डिंग वाले के पास और बोल दो भाई दे दे मेरे को, वो दे देगा या दे देगी जो भी होगा। हम चले अब, 1 घंटे के बाद है स्टार्ट। तो चलो कुछ खाना पीना करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लग रही है। हाँ लगी भी है भीड़, एक तो भीड़ देख के मेरे को इतना वो लगता है, दिमाग ख़राब होता है। भरी भी है भाई, ये पागल होता है ना यूरोपियन, एकदम निकल जाते हैं हर जगह छुट्टियों में। अभी चल रही है छुट्टियाँ, जा रहे होंगे घूमने फिरने।
भाई कर दिया अभी सिक्योरिटी चेक, नंगा कर देते हैं साले, सब कुछ तोड़वा देते हैं, जूते वूते। अब मेरा गेट है 305 सामने है भाई, भीड़ भीड़ तो होती है भाई, मेरे को लगा था भीड़ नहीं होगी यहाँ पर, तो भाई भीड़ काफ़ी होती है, तो दो घंटे पहले आ जाओ, इनफ है होता है, दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच जाओ। अब देखो देखता हूँ कुछ खाने की चीज़ होती है, आप ही निकाल थी, अपनी बोर्डिंग है 7:15 और अभी बज रहे 6:30। डब्लिन एयरपोर्ट ऐसा तो था नहीं जब मैं आया था, क्या मैंने नोटिस, बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ ना यहाँ पर, इतने सारे लोग मेरे दोस्त लोग काम करते हैं, कॉल करता हूँ यार किसी को, अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये डिपार्चर है, मैं आया था दूसरे वाले पे टर्मिनल पे, इसलिए वो तो भाई बहुत ही छोटा था, एकदम शुरू होते ही ख़त्म, ये तो काफ़ी सही है, और दिल्ली जितना नहीं है पर दिल्ली जैसा ही है। अपनी गाय 305 306 साले, इतने सारे लोग जा पा रहे हैं, भरा हुआ है भाई सही में, एयरपोर्ट भरा हुआ है, नीचे बैठे हुए हैं लोग, नीचे बैठे हुए हैं, यूरोपियन होते बड़े वो हैं एकदम डाउन टू अर्थ, समझ नहीं आ रहा कतर में काली एयर है उसके कब से होने लगी, काली चिंकी, मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिटी हो गई यहाँ पे, तो ख़त्म कर दिया वरना कतर तो किसी और चीज़ के लिए ही फेमस है, मतलब यूनिफॉर्म अच्छा होता है और ये सब यूनिफॉर्म पहनने वाले, ये धोखा हो रहा है, देख दो भाई कभी कभी हो जाती है कन्फ्यूजन कौन सी सीट है, Zone 1 Zone 2, मैंने कहाँ है लिखा ही कहाँ पता चलेगा, तो वो बोर्डिंग पास में रहता है, ये सब चीज़ें सारी डिटेल आपकी बोर्डिंग पास में होती है, तो बोर्डिंग पास देख लेना, मैंने भी निकाला बैग से, मैंने तो बैग में डाल लिया था, ठीक है। तो भाई 8:15 की फ़्लाइट है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई 7:15 पर, एक मिनट के बाद स्टार्ट है बोर्डिंग, तो भाई एक घंटे पहले आ जाओ, मतलब 1.5 घंटा मुझे को लगा सब कुछ होने में, तो लोग आए थे ना 3-4 घंटे पहले, बकवास होता है, आराम से आओ 1.5 आवर्स पहले या 2 घंटे पहले, 2 घंटे सेफर साइड, वेट नहीं करना है, ऐसे खड़ा नहीं होना, बैठना नहीं है ऐसे एयरपोर्ट पर, तो 1.5 आवर्स भाई बोर्डिंग हो गई, चलो भाई ये तो ऐसी है इनकी यार, ये क्या चोट है, अच्छी आ गई, साला पता नहीं साला कब तक इकोनॉमी में करना पड़ेगा ट्रैवल, कब बिजनेस या फर्स्ट क्लास होगा अपने से। तो भाई ये देते हैं तेरी सीट भाई, इसका बढ़िया है सिस्टम, वो नहीं है विंडो पर, इससे लाइट वो हो जाती है चेंज, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बंद है और बाहर का भी दिख रहा है, बढ़िया है भाई, फिनेर में ऐसा नहीं था, फिनेर में मुझे विंडो भी बंद करने की। इनके भाई A+B काफ़ी वो है, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, बैन चो ऐसे देख भाई, उनके क्या तो एयरफोन दे दिए थे बैन की फिनेर वालों ने, अच्छी फ्लाइट में जाना चाहिए भाई, सही लगता है, सही एक्सपीरियंस होना है। अभी भाई फोन ढूंढा था मैं, फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, दिमाग चल गया भाई मेरा, नींद आ रही है ज़बरदस्त, पूरी रात से नहीं सोया हूँ मैं, अब सोऊंगा मूवी देखते देखते सोना, सीट भी कंफर्टेबल है, सही है मामला। फिर टाइम हो गया बादलों में जाने का, स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, शुरू
खाने में भी ब्रेकफास्ट भी सही है भाई, जूस ऑमलेट और ये चिकन क्या कहते हैं सॉसेज स्ट्रॉबेरी, ये ब्रेकफास्ट है भाई, सही है मामला। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर, प्लेन से निकलते ही आदत नहीं है अब तो बिल्कुल भी, गर्मी झेल नहीं। अब सोच रहा हूँ इंडिया में कैसा हाल होगा मेरा, पर अभी हो रहा है 41 डिग्री सेल्सियस, भाई साहब बाढ़ लगी। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से, अब कनेक्टिंग फ्लाइट है, यहाँ से 2 घंटे का स्टे है। दोहा का एयरपोर्ट सही है भाई, एकदम स्मूथली हो गया मामला, बड़ा भी है सही भी है, जूते वूते भी नहीं उतरवाए इन्होंने, सही है भाई। देखना है क्या बोलते हैं कहाँ है अपना गेट फिर से, तो सही है भाई डबलिन से तो अच्छा है भाई, क्यों आ गया एयरपोर्ट भाई, बड़ा भी है यार, शॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा है, सही है भाई, गाड़ियाँ तक खड़ी कर रखी है इन्होंने। कल्ले बहुत है भाई यहाँ, काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले नहीं, धूप वाली टैनिंग नहीं, ऑलरेडी कर ले चूध, उन्होंने तो मेट्रो बुला ली मेट्रो जा रही है सीधा वहाँ पर, मेट्रो है एयरपोर्ट पर एंड चूध, उनका तो सही है भाई, काफ़ी सही है वहाँ की मेट्रो है। ये रहा मेट्रो के अंदर का गेट पे लेके जाने के लिए जहाँ चलना होता है, ये इन्होंने मेट्रो लगा दी यहाँ पर, का तो एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है जैसे एज ए मॉल बना दिया, डीएलएफ बना दिया इन्होंने यहाँ पर, आएगा ना डीएलएफ नोएडा वाला, शायद दिल्ली का भी तो नहीं है, मैं तो दिल्ली का भी भूल गया। देखिए भाई मेरे को तो भाई याद आ रही है यार, अभी तुम्हें मैं अपनी गर्लफ्रेंड भी रिवील करूँगा इस व्लॉग में, फाइनली देखना मेरी गर्लफ्रेंड, वो ऐसी सुंदर लड़की है ना। भूख लग रही है यार, पर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है करेंसी कौन सी चलेगी यहाँ पर, मेरे पास हीरो है INR है पर यहाँ चलेगी कौन सी भाई, इन्होंने तो बैन जंगल जंगल भी लगा रखा है इन्होंने तो, एयरपोर्ट से ही ठंडा भी आएगा, पेड़ पौधे भी आएंगे, अलग ही चीज़ चल रहे हैं इनके तो, सही है भाई। सही है भाई पसंद आ गया मेरे को डोवा का एयरपोर्ट, सही है भाई ये तो भाई साहब, एक तो ये देखने के बाद इतनी खुशी हुई है ना यहाँ पर मजा, ये देखने को नसीब नहीं होता था भाई यूरोप में, मैं जो ये जेट नहीं है वहाँ पर अपने अपने लगा रखा। तो भाई मामला जो है 2 घंटे का स्टे है, 2 घंटे बहुत देना फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये ऐसा होता ना कि फ्लाइट छूट जाएगी ये हो जाएगी, मेरे दोस्त की छूट गई थी पर उसका सेल्फ चेक इन था तो 2 घंटे सही है, बाकी फ्लाइट भी सही थी बढ़िया थी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। इससे पहले मैं गया था फिनेयर में, उसमें इतने मज़े आए थे तो मेरे को लगा ये तो बढ़िया है, तो मैंने आज कतर में करा, मैं तो ये बढ़िया है काफ़ी सही है भाई, कतर मिडिल ईस्टर्न वाली सारी फ्लाइट एयरलाइन सारी सही है। और भाई साहब पहुँच गए 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे पहुँच गए इंडिया, जो क्या अलग फील आ रही है भाई साहब, अभी बाहर है भाई मेरा छोटा भाई अदीब, जा रहे हैं बैग लेके सीधा मम्मी को सरप्राइज देंगे, देखे क्या करती है। हम पहुँच गए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ मैं, और मैं अपने चाचा के साथ हूँ, हम बहुत खुले हैं, चाचा को आपने देख लिया होगा जो बिल्कुल ही खुश हो गए थे हमें देख कर, हम जा रहे हैं अपने किसे मिलने, गर्लफ्रेंड से मिलने हम बहुत खुले हुए हैं, चाचा हैं मेरे, हम उम्र हैं, हम उम्र हैं 2-3 साल बड़े हैं बस हमसे ही, बस जीरो हटा के अब क्या बड़े लगते रही देखो वैसे तो मैं बड़ा लग रहा हूँ चाचा अभी हम रात आधे रास्ते में पहुँच गए, फ्रेश फ्रेश होने जा रहे हैं, ये मेरा पिद्दी बच्चा, पिद्दी बच्चा हेलो
हाय तो बोलो मेरे YouTube को। हाय हाय, ये मुस्तफा तो बस, ये देख क्या बढ़िया व्यू हो रहा है पीछे, देख अब ये देख पीछे, अरे ऐसे वो देख पीछे, पीछे देख, ये क्या है, क्या बढ़िया व्यू हो रहा है, पिंक पिंक उधर देख, उधर अच्छा पिंकी आ गई, पर पिंकी नहीं तो उधर देख वो देख कट्टो ब्रदर का है ये हमारा मुर्तजा, ये उठ गया है गुस्से में, देखो बढ़िया व्यू आ रहा है, ये ना हमारा चाचा हैंडसम अंक, ये ना मेरा, क्या है पिंकी के लिए बन रही है डॉक्टर जी, हां कर दी, अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, छोले भटूरे खाऊंगा मैं भाई 10 महीने बाद, छोले भटूरे हैं, ये लोग भी आए हैं बाहर से आए हैं, ये लोग भी तो हम आए सेवा ढाबा, मेरा तो छोले भटूरे खाने का मत मन है, चलो दिखाता हूँ एंड में मेरी गर्लफ्रेंड दिखेगी, है भाई सरप्राइज है वही तो सरप्राइज है, मेरा शेवा ढाबा यहाँ का भाई खाना बहुत प्यार लगता है, ये जो बैठा है ना ये बहुत तेज है, ये बहुत तेज है भाई, मोटू है, मोटू कैसे हमें से ब्लैकमेल कर रहा था, ये बता दे, बता दे पिंकी, पिंक करके जो वो कर रहा था, ऐसे बोल रहे थे ये इनका लौंडा है, हमारे चाचा का लौंडा है, एक और लौंडा है चाचा का, तेरा इतने टाइम बाद 11 महीने के बाद मेरे को मिल रहे हैं दो फुल के ओहो हो, मुर्तजा कैसे लगता है सऊदी में खाना, सऊदी का खाना अच्छा है यहाँ पे, इंडिया का खाना अच्छा है, इंडिया का 11 महीने के बाद भाई छोले भटूरे, भगवान फॉर भाई बढ़िया, मजा आ गया एकदम सेट टाइम बाद आप तो बता दे ब्लॉग बनाने लगता है, आप तो बता दो कैसा लग रहा है, ये पिंकी से नहीं मिलोगे भाई की पिंकी है, एक और क्यों पिंक, पिंक क्यों कहते हो उसे ये बताओ पहले, तो पिंक क्यों बोलते हो उसे, अरे तो पिंक क्यों है, वो नाम क्यों रखा तुमने उसका पिंकी, एक्साइटमेंट हो रही है फिर से, इट वॉज माई आइडिया, अब हमसे भी बोल रहा मासूम ने शायद नौशी, अरे कौन है कौन आ गया, तो मैं दिखा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड दिखा रहा था, और ये रही मेरी गर्लफ्रेंड है, चाचा दिखा दूँ, चाचा चाचा दिखा दूँ अपनी गर्लफ्रेंड, ये रही गर्लफ्रेंड है मेरी गर्लफ्रेंड, ये रही आ गई, ये रही मेरी गर्लफ्रेंड, और वो गिरी हो, हेलो शादी थोड़ा कर रहा हूँ अभी, थोड़ा लेके जा रहा हूँ कटोली, अभी तो बस आई लव यू बोला है, इधर देख लो, अरे पप्पी तो दे दो, पप्पी तो